पिछले दो ओडीआई मैच शुभमन गिल के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं बीते, जहां पर उन्हें केएल राहुल को रिप्लेस कर ओपनिंग पोजीशन पर मौका दिया गया, पर ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजी के आगे वो थोड़ा नर्वस नजर आए। इसी वजह से ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर की प्रैक्टिस नेट्स में कराने के लिए उमरान मलिक सामने आए और फिर जो नज़ारा देखने को मिला आप भी अपना सर पकड़ लेंगे। जी हाँ दोस्तों, उमरान मलिक की रफ्तार का इस्तेमाल अब तक सिर्फ नेट्स में ही देखने को मिलता रहा है। अमूमन छोटी टीमों के सामने ही उन्हें खिलाया जाता है, पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड जैसी टीमों के खिलाफ वो सिर्फ नेट्स में ही अपने जूते घिसते दिखाई देते हैं। पर इस वक्त उमरान मलिक ही एकमात्र आखिरी उम्मीद है जो ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों की रफ्तार की बराबरी कर सके। वैसे तीसरे ओडीआई मैच से पहले उमरान मलिक कोच राहुल द्रविड़ के साथ काफी कुछ बातें करते हुए दिखाई दिए थे, जिसके बाद उमरान मलिक ने शुभमन गिल को नेट्स में ज्वाइन किया और एक से बढ़कर एक जोरदार बाउंसर लगाई। क्या उमरान मलिक को तीसरे ओडीआई मैच में खिलाना चाहिए? कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।